15 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है और हमारे देशवासियों के बीच देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। 15 अगस्त के दिन भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके त्याग और बलिदान के चलते भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। आज का दिन इनकी बहादुरी, वीरता और शौर्य को नमन करने का दिन है। देश के इन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी को पाने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी आज़ादी को पाने में झोंक दी। भारत माँ के इन सच्चे सपूतों के लंबे संघर्ष के कारण स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ। 15 अगस्त 1947 का जिक्र होते ही गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो उठता है। फोरसाइट्स टीवी की ओर से हम उन वीर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। केंद्र सरकार की नज़र में शहीद आज़म भगत सिंह आज भी क्रांतिकारी आतंकवादी है या हम नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU पढ़ाई जाने वाली एक किताब कह रही है। इस किताब को केंद्र सरकार के सहयोग से छपवाया जाता है। देश की आन बान शान के लिए हंसते हंसते जान देने वाले भगत सिंह के वंशज क्रांतिकारियों के साथ आतंकवादी शब्द जोड़े जाने से बेहद आहत है। उनका कहना है कि नरम दल वालों की पैरोकारी करने वाली कांग्रेस से तो ऐसी उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार भी ऐसी ही निकलेगी, ऐसा अंदेशा नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक किताब पढ़ाई जाती है। इसमें पेज नंबर 228 पर भगत सिंह, सूर्य सेन और क्रांतिकारी आतंकवादी के नाम से एक पूरा लेख लिखा हुआ है। इसमें कई जगह क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी के तौर पर संबोधित किया गया है। किताब में क्रांतिकारियों के लिए क्रांतिकारी आतंकवादी, आतंकवाद, आतंकी, आतंकवादी आंदोलन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। फरीदाबाद में रहने वाले भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह संधु का कहना है कि यह देखकर बेहद दुख हो रहा है कि शहीद का दर्जा देने की जगह सरकार उन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी कह रही है। हम लंबे समय से शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के बैनर तले शहीद आजम भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार इस मुद्दे पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है, उल्टे उनके नाम के साथ आतंकी लगा रही है। संधु का कहना है कि सरकार से किसी शहीद को न्याय नहीं मिला, जो सम्मान मिलना चाहिए था उसे सरकारें दे नहीं पाई है। कैबिनेट 5 मिनट में एक फैसला लेकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद का दर्जा दे सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार के पास समय नहीं है। संधु के मुताबिक वह इस मुद्दे पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मिलेंगे। संधु के अनुसार उनकी मांग है कि इस किताब में क्रांतिकारियों के साथ जो आतंकवादी शब्द जोड़ा गया है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। शहीद आजम भगत सिंह समेत देश पर कुर्बान होने वाले शहीद क्रांतिकारी थे कि क्रांतिकारी आतंकवादी। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार से मांग है कि देश पर शहीद होने वाले सभी शहीदों की वैधानिक सूची बनाकर उन्हें शहीद का दर्जा दे। जब तक यह नहीं होता तब तक शहीद भगत सिंह ब्रिगेड अपना संघर्ष जारी रखेगी। हम शहीद आजम भगत सिंह के परिवार की मुहिम के साथ हैं। इन जैसे शहीदों की वजह से ही हम सभी आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। अगर किसी किताब में उन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी कहा गया है तो यह गलत है। निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रुचि लेकर इस संबंध में HRD मिनिस्टर को अवगत कराऊंगे। शहीद आजम हम सभी के आदर्श हैं, उनसे देशभक्ति सभी को सीखनी चाहिए। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।